मंटू पाई से मुझे 10 साल हो गए आते, इनकी रोटी और चिकन और मीट मटन पूरे पंजाब में नहीं मिलेगा इधर। और ये सामने कचहरी है, कोर्ट है सामने, जितने भी बड़े बड़े जज वकील और बड़े बड़े ऑफिसर पुलिस ऑफिसर इनकी यहाँ से रोटी जाती है। पंटू के नाम से मशहूर है, फिरोजपुर रोड है, सामने नमी कचहरी है, हमारे पास मटन है, चिकन है, कीमा कलेजी है, शाही पनीर है, दाल है, राजमा है, चावल है, रोटी है। कितने बजे से कितने बजे तक मिलती है? सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। सर सारे मसाले मैं अपने आप खुद पीसता हूँ, रेडीमेड कुछ नहीं लेके आता, हल्दी तक अपनी पिसवा के लाता हूँ। अच्छा, क्या क्या डालते हैं इसमें मसाले में? मसाले में 16-17 आइटम होती है, दालचीनी होती है, लौंग, काली मिर्च, मगा, जायफल, जरबत्री, जीरा, साबुत धनिया। सुबह 6 बजे तैयारी करते हैं। लगभग कितना किलो मीट बनाते हैं रोजाना? रोजाना ये 8-10 किलो। 8-10 किलो। तो आप मीट को और कीमा को अलग कर लेते हो और तरी को अलग? नहीं, कीमा अलग से आता है, मीट अलग से आता है। भाई लुधियाना में इस समय तापमान लगभग 45 डिग्री पहुंच गया होगा और आप देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे कितना पसीना आ रहा है। लगभग 2:30 बज चुके हैं और ऑब्वियसली गर्मी हो या सर्दी हो, इस पेट को तो भूख लगती है। तो हम खाने के लिए यहाँ से निकल रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे और मैंने इनको बोला भाई कुछ खाना है लंच बढ़िया तरीके का, तो बस यही रोड से निकल रहे थे, फिरोजपुर रोड से। और हमें हमारे पीछे ये आपको रेडी दिखाई दी जो कि बंटू की मशहूर रेडी है। ये भाई कह रहे हमें भी नहीं पता कि ये यहाँ पे है क्योंकि ये वेजिटेरियन है शायद इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि बड़ी तगड़ी मटन करी और साथ में कीमा कलेजी मिलती है और चिकन करी भी इनकी बड़ी लाजवाब है, ऐसा लोग यहाँ के आसपास मुझे बता रहे थे। तो भाई लंच तो मेरे को लगता है शायद सॉर्टेड हो चुका है, हम अपना लंच करेंगे बंटू पाजी के पास, खाएंगे हम इनसे मटन साथ में कीमा कलेजी साथ में। भाई आप क्या खाओगे? दाल तड़का। भाई खाएंगे दाल और हम खाएंगे करारी रोटी साथ में। अगर आपको भी भूख लग रही है तो आप वीडियो थोड़ा सा एंड तक ज़रूर देखना, हो सकता है इस वीडियो के बाद आपकी भूख और बढ़ जाए और आपको ये स्वाद देख के ना शायद और स्वाद आ जाए। आ जाओ चलते हैं पाजी के पास। इनकी जो रेडी है वहाँ पे मिलता है जी लुधियाना का वन ऑफ द फेमस मटन चिकन कीमा और कलेजी। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि भैया लंच में यहाँ पे रश लगता है लोगों का खाने के लिए इनकी स्पेशल कीमा कलेजी और मटन करी। वो पतली पतली मटन की करी साथ में कीमा कलेजी और साथ में वो करारी रोटी। अगर आप भी नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा ही स्वाद आता है जी ऐसी ग्रेवी जब मिलती है पतली पतली, और साथ में इनकी चिकन करी भी मैंने सुना है बहुत लाजवाब है। और दिखाएंगे आपको कि कैसे बंटू जी जो है यहाँ पे अपने कीमा कलेजी और मटन करी बनाते हैं और सर्व करते हैं। तो अंकल जी जो नॉन वेज है वो सारे दिन मिलता है? सारे दिन नहीं मिलता, सिर्फ एक दिन मंगलवार को वेज मिलता है। क्या क्या मिलता है मंगलवार? उसमें चीज टमाटो होता है, परसा मटर होता है, कड़ी पकौड़ा होता है, दाल होती है, आलू गोभी होती है। मतलब सारी बेस्ट आइटम जो है वो आप मंगलवार के वो मंगलवार को ही लाते हो? मेरे पास जो मीट नहीं खाने वाले वो स्पेशल मंगलवार को खाना खाने आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो नहीं आते सिर्फ वो मंगलवार को खाना खाने आते हैं। उनको बहुत मीट बनता है, जब से काम शुरू किया मैंने 90 से अभी तक कभी मंगलवार लगाया नहीं। मंगलवार सिर्फ वेजिटेरियन। और आप बता रहे थे अभी कड़ी कहाँ कहाँ तक जाती है? मेरी कड़ी तो दिल्ली आया फिरोजपुर तक, जलंधर अमृतसर तक भेजी थी हुई मैंने। अच्छा जाती है। हाँ तो भाई अगर आप कभी भी आते हैं ना इधर लुधियाना तरफ फिरोजपुर रोड पे अंकल बैठते हैं भाई, अगर लंच के समय आए तो ज़रूर इनके पास रुक के जाना। और बहुत ही बेहतरीन अंकल ये खाना बनाते हैं और साथ में इनका जो प्यार है वो फ्री में मिलता है। बिल्कुल मुफ्त में मिलता है जी, प्यार तो भरपूर देते हैं। प्यार बटोर के जाना भाई अंकल का जरूर। तो ये देखिए जी यहाँ पे आपको ये भट्टी दिखाई दे रही है जो कि कोयले की आँच पे धीमी धीमी पकती है और यहाँ पे जो आप सब्जियाँ देख रहे हैं वो गर्म की जाती है। घर से अंकल अपनी सारी सब्जियाँ तैयार करके लाते हैं, जैसे ये कीमा और कलेजी है तो कीमा और कलेजी डाल के ऊपर से मटन का पीस डाला जाता है, फिर तरी डाली जाती है और फिर उसको गर्मा गर्म करारी रोटी के साथ खाया जाता है। भाई रोड साइड पे ऐसे ढाबे पे बैठ के खाने खाने की जो फील है ना यार, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता क्योंकि वो बड़ी लाजवाब फील आती है। मेरे पापा और मैं ना मिलके ऐसे रोटी जब भी खाने जाते हैं ढाबे में तो गर्म गर्म रोटी लेते हैं साथ में मटन लेते हैं, घर पे जब लाते हैं तो मज़ा नहीं आता। तो ढाबा दिखा रुक गया तो इनके लिए दाल है और हम खाने वाले हैं जी मटन, और इसके अलावा यहाँ मिलता है शाही पनीर भी। तो मटन चिकन शाही पनीर और दाल मिलती है इनके पास, लेकिन हम खा रहे हैं मटन और कीमा कलेजी। आओ शुरू हो जाओ जी लंच करते हैं, भूख लग रही है जोरों से। और लंच में ऐसा बिल्कुल देसी खाना? देसी खाना, हाँ क्या बात है, क्या बात है। तो भाई कीमा और कलेजी में कीमा और कलेजी को अलग से सर्व किया जाता है और साथ में ये मटन की करी जो पतली पतली तरी होती है ना वो खाने का जो मज़ा है ना भैया, अगर आप खाते हैं तो आप रिलेट कर पाते होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में मटन, लेट्स हैव अ बाइट।
भाई जैसी मटन करी खानी मुझे पसंद है, पतली पतली तरी के साथ साथ में करारी तंदूरी रोटी के साथ बिल्कुल वैसी है। और बात करूँगा कीमा और कलेजी, सुपर भाई सुपर कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहें तो मटन करी अलग से भी ले सकते हैं, कीमा कलेजी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कीमा के साथ कलेजी के साथ साथ में मटन और ये ग्रेवी के साथ जो बाइट है ना वो कंप्लीट लगती है भाई। वेजिटेरियंस के लिए दाल तो बिल्कुल ढाबे जैसी है। दाल बढ़िया भाई, हाँ दाल आप बताओ। बिल्कुल देसी है। मैं मटन में इतना ज़्यादा खो गया कि मुझे दाल के बारे में पूछने का देखेगा ही नहीं। वही है ना, आगे मटन हो तो दाल दिखती है। हाँ, इसमें बड़े बड़े ना अदरक के लच्छे डाले हुए इन्होंने और सब्जियाँ साफ्ती डाली हुई है, टमाटर वगैरह, बिल्कुल ढाबा स्टाइल है। क्या बात। और चने की दाल है, बहुत ही बढ़िया स्वाद है, अच्छे मसालों का फ्लेवर है। तो भाई नॉन वेज तो मैं खा रहा हूँ, वेजिटेरियन मेरे भाई बता रहे हैं आपको कैसा स्वाद है। और दाल भी आप एक बार जरूर टेस्ट करो। करेंगे भाई बिल्कुल। ये नॉर्थ इंडिया में ये कल्चर है बिल्कुल कि आपको प्याज और चटनी साथ में मिलती है। तो मिलेगी, मिलेगी मिलेगी और मिक्स मिलेगी, अलग अलग नहीं दी जाएगी। और अब ये दाल खाते हैं भाई, दाल भी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल है। आप यहाँ का ऑम्बियंस देखो भाई, कितना ही देसी है। और मेरे पीछे आपको रोड दिखाई दे रही है, तो रोड के उस पार यहाँ पे इन्होंने टेबलें लगा रखी हैं और साथ में ऐसे स्टूल बिछाए हुए हैं और यहाँ पे आके लंच कर रहे हैं भैया हम अपना। बढ़िया एकदम देसी स्टाइल, देसी मज़ा, पंजाब का बढ़िया एकदम कीमा वाला मटन देसी दोस्तों के साथ। भाई इसके अलावा और कहाँ पे मिलता है बढ़िया मटन? अगर तो रोड साइड आपको मटन खाना तो एक यही जगह है। अच्छा, बाकी आउटलेट्स बहुत है, रेस्टोरेंट्स बहुत हैं। हाँ, बट टिपिकल रोड साइड देसी खाना तो यही एक आउटलेट। बिल्कुल देसी है भैया, बिल्कुल बढ़िया पतली तरी तरी है। हाँ। और साथ में कीमा और कलेजी। कलेजी मुझे इतनी पसंद नहीं है। ओके, बट कीमा और मटन बहुत पसंद है। वाह भाई, लुधियाना कभी भी आओ ना तो एड्रेस बताओ भाई साहब। ये लुधियाना में हम न्यू कोर्ट सा सामने कचहरियाँ जिनको बोला जाता है उसके बिल्कुल सामने फिरोजपुर रोड पे। नहीं भैया, अच्छा रोड में ही है। बिल्कुल मेन रोड पे बैठे हम। वाह आनंद आ गया भाई। और ये सेटअप इजीली दिख जाएगा, ये ऐसा ही इनका हर टाइम यही लुक रहती है। हाँ बहुत ही बढ़िया, मतलब सजे होंगे आपको 90 से बेच रहे हैं, 1990 से, मतलब 30-35 साल हो गए इनको बेचते हुए। लाजवाब भाई, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ज़रूर आना अंकल के पास, लेकिन अगर वेजिटेरियन हो तो भी आना क्योंकि दाल और पनीर मिलता है। बिल्कुल। और अगर आप दाल है वर्थ आने वाली। और अगर आपको देसी खाना पसंद है ना ढाबे स्टाइल, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है भैया। तो भाई जब आप खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद जब आप कुछ मीठा तलाशते हैं ना, तो इनके पास मीठे में आपको मिलता है जी ये गुड़, जो कि ऑफकोर्स ये देखिए कितना बारीक है। और इसको ये यहाँ पे क्या बोलते हैं जी, शक्कर और बुरादा, शक्कर और नारियल का बुरादा सब होता है मीठे में। तो गुड़ का बुरादा और साथ में ये है जी नारियल, इसको खाते हैं। बहुत ही लाजवाब, कोई सौंफ देता है, कोई मिश्री देता है, कोई चीनी देता है, कोई मीठी सौंफ देता है, कोई गुड़ देता है, लेकिन लुधियाना में बंडूबाजी हमारे शक्कर देते हैं, साथ में देते हैं जी नारियल का बुरादा। लाजवाब टेस्ट है भाई।